ओम नमः शिवाय। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग बनाते हैं बेसन के सेव की बर्फी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसन का सेव बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए खोया, ये 200 ग्राम खोया है, और ये 100 ग्राम महीन जो सेव आता है बेसन, उसका बेसन वाला, ये किसी भी आपको नमकीन भंडार पे मिल जाएगा। प्लेन सेव 0 नंबर कह के ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये भी 100 ग्राम, और 200 ग्राम चीनी, 100 ग्राम ये दूध, और ये कटे हुए कुछ मेवे हैं, ये आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए, और आधा चम्मच ये इलायची पाउडर और एक बड़ा चम्मच ये घी। अब हम लोग गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे। गैस के आँच को मीडियम ही रखें। अब इसमें जो ये खोया है इसको थोड़ा सा भूनेंगे। खोया हमारा भुन गया है, इसमें ये जो दूध था ये डाल देंगे। थोड़ी देर इसको चलाएंगे, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, सब एक में मिल जाए खोया और दूध, तब तक इसको चलाएंगे। अब ये मिल गया है, इसमें ये चीनी डाल देंगे। चीनी को मेल्ट होने तक चलाएंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, इसको बस थोड़ी देर 1-2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें ये सेव डाल देंगे। और इसको ऐसे बराबर चलाते रहेंगे जब तक ये सेव इसी में घुल जाएंगे। अभी हमारी हो गई है जमने लायक। आप इसको देखने के लिए थोड़ी सी एक कटोरी में निकाल लीजिए इसका बैटर, और ये जब ठंडा हो जाए तब इसको देख लीजिए, इसकी गोली अगर बनने लगे तो ये जमने लायक हो गई है। इस तरह से ये हो गई। थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे और जो ये इलायची पाउडर है ये डाल देंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब एक थाली में घी लगाएंगे थोड़ा सा। और इसमें ये इसमें पलट देंगे। ऐसे इसको फैला के ठंडा होने तक, जब तक ये जम जाए, इसको ठंडा करके देंगे और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हमारे बेसन के सेव की बर्फी ठंडी हो गई है, इसको काट लेते हैं।
आपको जितने बड़े बड़े पीस रखने हैं उस हिसाब से काट लीजिए। बस एक एक ऐसे निकाल लीजिए, काट के उसको एक प्लेट में लगा लीजिए। इस तरह इसके आप सभी पीस काट लीजिए। ये बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई है, 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है पूरी बन के। लीजिए बेसन के सेब की बर्फी तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।